हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं दीपन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, देखेंगे कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, कौन सा डायरेक्शन में। तो ये आप देख सकते हैं, क्रूड ऑयल मैंने 4 आवर चार्ट लिया, तो उसमें एक मैंने रेंज दिया हुआ है जहाँ पे क्रूड ऑयल हमें ट्रेड करना चाहिए। तो मुझे मेरा हिसाब से मुझे लगता है क्रूड ऑयल एक रेंज में चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, क्रूड ऑयल अभी एक सपोर्टिंग लाइन और सॉरी रेजिस्टेंस लाइन, क्योंकि ये मैंने रेजिस्टेंस लाइन दिया हुआ है 4614 में, क्योंकि ये डेली में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है, तो इसमें मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन डाला हुआ है। तो यहाँ से मुझे लगता है मार्केट थोड़ा नीचे आना चाहिए, क्योंकि ये मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। तो आप देख सकते हैं जो प्राइस होता है मूविंग एवरेज के आसपास से घूमता रहता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज का जो टू फार ज़्यादा दूर निकल गया, और ये जो होता है, आप अगर आपको आइडिया होगा शायद रोबार्ट जो थ्योरी होता है, तो यहाँ से फ्यूचर मार्केट नीचे आने का चांसेस है थोड़ा, राइट। तो इसलिए आप अगर यहाँ पे बाय जाना थोड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि मार्केट नीचे आने का चांसेस है। तो अगर सेल लेना है तो आप स्ट्रिक्टली इसका ऊपर, जैसे 4614 का ऊपर में आपको SL लगाना चाहिए, क्योंकि और SL के लिए आप ATR यूज़ कर सकते हैं, जो ATR इंडिकेटर है, तो उस हिसाब से मनी मैनेजमेंट करके आप सेल लगा सकता है। और मार्केट जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो येलो मूविंग एवरेज है, तो ये 50 मूविंग एवरेज से मार्केट बाउंस हुआ है, राइट। तो मुझे लगता है ये मार्केट अगर रिट्रेस किया तो 50 मूविंग एवरेज के आसपास आ सकता है, राइट। अगर मार्केट 50 मूविंग एवरेज के आसपास आ गया, मार्केट से बाहर आप निकाल सकते हैं, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।